साथियों एक कोबरे की और एक कबरबुच्ची की सूचना है। पहले कोबरा पकड़ेंगे, उसके बाद कबरबुच्ची देखा जाएगा, क्योंकि घर में आराम से बैठा हुआ और कबरबुच्ची कोबरा जो है लेबर काम कर रही है, पूरा घर में अमर बैठा हुआ है। चलिए अब देखते हैं। साथी जी के घर में कब्र उज्जू आराम से बैठे हुए, हमें अपने सब काम धंधा छुड़वा के बोल रहे कहाँ पे तो बीमार है, निकाल दे। खुले ये खुले ना, ये ना बहुत घूम रहे हैं यहाँ पे। मैंने एक बार आपको पहले फोन किया था, अभी आप 10-15 दिन पहले हाँ, तो यहाँ पे निकला था, वो मेरे घर में निकला था। कब्र के आस पास जाना बात सुनो यार, यहाँ पर चढ़ने के लिए कोई चीज कोई जगह देखो दबा नीचे, अरे कोई चीज है चढ़ने के लिए भाई, जल्दी जल्दी नीचे घूम चला जाओ, टॉर्च दे टॉर्च, अरे छोटे वाली टॉर्च दे दो। अरे यार ये किधर ना, दे तो इसको हटाओ यार, नहीं यार ये कूलर वाला हटाओ हटाओ यार, ये तो बहुत बड़ा है। हटाओ हटाओ इसे हटाओ, इसे इसे तो हटाना पड़ेगा। लाइट लाइट दे, लाइट दे यार टॉर्च, अरे दो तो थोड़ी बहुत तो हो गई नीचे, तो नहीं दिख रहा है यहाँ भी रखा है, नहीं गंदी कर रखी है, डेली आ रहा है यहाँ। सुनो इधर इसे इधर से इधर हट जाओ, मैं इधर पकड़ूंगा, आओ इधर, अरे आ जाओ इधर आ जाओ, इधर से पकड़ो इससे, हाँ लग टोल में इधर इधर से ये बाद में पकड़े, पहले पकड़े थे तो यार ये हटा दो यहाँ से, ये हटा दो, ये हटा यार ये खींच ले बात, ऊपर तो नहीं चला गया वो, ऊपर नहीं गया।
दिख रहा उसको नहीं नीचे देखो टॉर्च चला के नीचे तो दिखी नहीं रहा नीचे नहीं है ऊपर गया नहीं टंकी हटाओ टंकी में गेहूं है इसमें तो तब के कैसे हटेंगे एक काम करता हूँ उधर से इधर करता हूँ लड़के नहीं होंगे और पकड़ लिया अरे बड़ा है तो भाई बड़ा है बाहर ले चलो पहले बाहर निकल हटाओ तो नहीं करना पड़ेगा तो जाएगा अबे दूसरा ले आना ले लो ना बाहर ले चलो ये बिल्ली सही है हटाओ ये साथियों ये खबर बिज्जू है और जब रात को शमशान में और कब्रिस्तान में बच्चों की तरह रोता है और लोग कहते हैं कि मुर्दा जाग गया ये देखिए और इसका स्वास्थ्य कहाँ पे बीमार है ये देखिए शुगर फैक्ट्री की चीनी खा के बीमार हो रखा है डबल करो यार फटे कट्टे मत ही रह जाएगा ये मजबूत दे दे यार डबल करो सर ठीक है इसमें डबल कर दिया खबर बिज्जू आया था देख मतलब कम उसमें था टीम के उसमें तो हमने उनको भैया को फोन करा तो भैया ने आके उन्हें पकड़ लिया बस हवा इसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद सबसे अच्छी से कंपनी वो कॉलोनी वाले साथी सिविट खबर बिज्जू इसको ही कहते हैं इसको पकड़ लिया गया बीमार है और इसको अभी इसके प्राकृतिक वास में छोड़ने ले आए हैं आप देखिए इलाज तो इसका घर वाले ही होता है इसका इलाज इसकी प्रकृति ही करती है मैं कब्र बिज्जू आजा पर बिज्जू मुर्दाखोर इसको ही कहते हैं हमें इसको यहाँ पर इसके प्रक्रिया ले आऊँ अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर अभी कोबरा छोड़ा है इसका स्वास्थ्य खराब है बीमार है ये देखते हैं हमलावर था काफ़ी गुस्से में था ये इसको पकड़ा गया दस्ताने पे हमला कर रहा था ये हमारे Thank you.
मुर्दा खोर जो कहते हैं मुर्दे खड़े करता है जाकर, हमने देखा नहीं परंतु रोता बच्चों की तरह है ये। इसको इसके प्राकृतिक विभाग में छोड़ रहे हैं। स्वास्थ्य स्वास्थ्य इसका भी खराब लग रहा है। कमल विज्जू सिविट मुर्दा खोर को सुरक्षित छोड़ दिया गया। बीमार था, यही पेड़ों पर हैगा ये, और अपना जो भोजन है जो सड़ा गला मांस जो होता है उसका भक्षण करता है। प्रकृति का बहुत बड़ा शोधक है ये, और हम लोगों से निवेदन करेंगे इनको मत मारें, क्योंकि ये इसकी जो स्वास्थ्य खराब है और इसके खुजली उजली हो रही है, तो ये तो इसने कुछ खाया होगा, कोई केमिकल खाया होगा या कुछ ऐसी चीज़ खा रखी है जिससे इसका स्वास्थ्य खराब है। अब इसको इसके प्राकृतिक छोड़ दिया गया है। ये रात को जब रोता है तो बच्चों की तरह रोता है। लोग कहते हैं कब्रिस्तान में, शमशान में बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, तो वो यही रोता है और यही चिल्लाता है।